तो यहाँ पर आप इस वायर को देख सकते हैं, एक वायर है जिसके अंदर दो वायर है और एक जो वायर है उसके अंदर से तीन वायर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या आती है कि आप दो और तीन वायर को आपस में जोड़कर किसी भी चीज को चालू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक हीटर है जिसमें से दो वायर निकल रहे हैं और यहाँ पे एक जो वायर का टुकड़ा है जो कि उसके अंदर हमें तीन वायर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो हरा या जो पीला वायर होता है वो यहाँ पे अर्थिंग का होता है जो कि सबसे ऊपर वाली पिन के अंदर लगता है। तो इस वायर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमारे लिए जो मेन वायर है वो काला और लाल वायर है जो कि यहाँ पे फेज और न्यूट्रल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें जो मतलब है वो लाल और काले वायर से मतलब है क्योंकि इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। और हमारे पास जो दूसरा वायर का टुकड़ा है उसके अंदर भी दो वायर है जो कि हमारे लिए फेज और न्यूट्रल का काम करता है। तो हमें लाल को लाल से मिला देना है और यहाँ पे जो काला है उसको आप काले से या फिर ब्लू से मिला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो पीला वायर है और या फिर आपके पास जो हरा वायर होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अर्थिंग का होता है तो इसको आपको कहीं भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अर्थिंग लगा हुआ है तो आप अलग से तीन वायर वाला वायर लगा के आप इस हरे वायर को या फिर पीले वायर को आप लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे टैप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।